भूपेंद्र हुड्डा अपने दफ्तर पहुंचा और यहाँ पे समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है पूरी तरीके से। और हुड्डा साहब इस वक्त आज तक चैनल ही देख रहे हैं अपने दफ्तर में, जिस तरह से कांटे की टक्कर चल रही है। हुड्डा साहब क्या कहना चाहेंगे रुझानों को लेकर के, आपकी सीट कलोई कलोई सीट को लेके आपका क्या कहना है? अभी एक राउंड हुआ उसका, 4000 से मैं लीड कर रहा हूँ। 4000 से। और हरियाणा को लेके आपको आपका कहना था कि बहुमत की सरकार बनेगी, कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनेगी, बहुमत की सरकार बनेगी। हुड्डा साहब का साफ तौर से कहना है कि आप देख सकते हैं पूरे समर्थकों का यहाँ पे भीड़ है और लगातार यहाँ पे आज तक उनका कहना है कि वो जब तक पूरे नतीजे नहीं आ जाते हैं, जब तक पूरे नतीजे नहीं आते तब तक वो कोई बात नहीं करेंगे। दुष्यंत चौटाला इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। दुष्यंत जी, आपने देखा किस तरीके से जो जेजेपी की सीटें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, आप डबल डिजिट पार करने की कंडीशन में हैं, क्या देखते हैं और किस तरीके से युवाओं का जो आपको समर्थन मिला? देखिए, लोग हमें 11 महीने पहले बच्चों की पार्टी कहते थे, आज बड़े बड़े धुरंधरों को हमारे कैंडिडेट जहाँ हरा रहे हैं, ये जनता का प्यार है और मैं मानता हूँ हरियाणा ने बदलाव के लिए वोट दिया। त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, ये बताया जा रहा है कि जो सत्ता की चाबी है वो जेजेपी से होते हुए जाती है। दो एक घंटों में क्लियर हो जाएगा एंड उसके बाद हम सारे एमएलए की मीटिंग बुलाकर लीडर चुनकर और उसके बाद ही निर्णय करेंगे। बीजेपी या कांग्रेस किसकी तरफ आपका अभी समर्थन? बहुत अर्ली है कि हम किसका समर्थन करें, लेकिन सत्ता की जो चाबी और इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि आप ही एक निर्णायक भूमिका में दिखाई पड़ रहे हैं, आप अपनी भूमिका कहां पर देख रहे हैं? I will not comment on that कि क्या देख रहे हैं, बहुत अर्ली है, let the result come in totally and then we'll decide। नहीं, बहुत अच्छा नतीजा निकलेगा और भारतीय जनता पार्टी की थंपिंग मेजोरिटी से सरकार बनेगी, उनके कोई ऐसी से सब सिंगल डिजिट पार्टियां रहेंगी, ये किसी पोजीशन में नहीं रहेंगी। मेरा मानना है कि भाजपा सत्ता से बाहर होगी, हंग असेंबली आएगी और हंग असेंबली जब आती है तो फिर मान के चलो सौदेबाजी शुरू हो जाएगी। फिर तो लोग जो है, जिन लोगों ने जिनको वोट दिया, कहीं ना कहीं उस वोट को बेचने का काम करेंगे,